फिर हमने बाबा साहब ने ढूंढा, ऐसे कैसे हो सकता है, फिर हमने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया तो बुद्धि खुल गई। हाँ ये सही है, हम अपने 1 रुपए की ताकत इस देश में रह के भी 100 रुपए का बराबर बना सकते हैं, लेकिन वो हुनर तो बाबा साहब के पास है, वो हुनर तो बाबा साहब की किताबों में है, वो हुनर तो बाबा साहब हमें कब्जा देकर चले गए, लेकिन गलती तो हमारी है, हम बाबा साहब को पढ़ते नहीं, बाबा साहब की बात मानते नहीं, लेकिन जोर से बोलेंगे जय भी, उसके बाद सब खत्म। हम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, कोई ठाट पाट बंगले तो हमारे पास है नहीं, या कोई खजाना हमारे बाप को छोड़ के नहीं गए। और आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि जो आने वाली जनरेशन ये बैठी है, इसके लिए आप क्या छोड़ के जाओगे, है वो जवाब हमारे पास, वही मेहनत मजदूरी का काम। कब तक, कितनी पीढ़ी की पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, कहीं तो अंत हो, कहीं तो अंत हो, कहीं तो इस गुलामी की जंजीरें हमारी कटे, कहीं तो इस दलदल से हम बाहर आए। क्या हम लोग ऐसा नहीं चाहते, ये जो गुलामी की जिंदगी हम जी रहे हैं, गुलामी है, ये मैं सोचो कि आज हम ठीक ठाक खा लेते हैं, थोड़ा सा कपड़ा पहन लेते तो हम आजाद हो गए, नहीं है, आज भी हम गुलाम है, नहीं तो आगले निकल लो, 4 रोटी आप खाते हो और 4 रोटी वही लोग खाते हैं, नहीं, एक आदमी 4 रोटी खाता है ना दिन भर में, एक टाइम 4 रोटी आप खाते हो, 4 रोटी वो खाते हैं, आप भी नहाते हो वो भी नहाते हैं, ठीक, एक जोड़ी कपड़ा आप एक बार में पहनते हो वो भी पहनते हैं, आपके लिए भी वो कपड़ा उतने का ही, उनके लिए भी वो कपड़ा उतने का ही, आपके लिए भी अनाज उतने का ही, उनके लिए भी अनाज उतने का ही, लेकिन उनकी उन्नति हमसे बेहतर क्यों हो रही, ये सवाल मन में नहीं आता। जी तोड़ मेहनत कौन करता, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक, दही किसकी टूटती है, हम लोगों की, लेकिन जिंदगी किसकी बेहतर हो रही है, उन लोगों की, क्यों, क्योंकि इस समय उनका जो 1 रुपया है वो हमारे 100 रुपए के बराबर हो रहा है, जिस दिन हमारा 1 रुपया उनके 100 रुपए के बराबर हो जाएगा तो हमारी उन्नति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, वो हुनर है, वो हुनर है, वो तरीका भी है, इसमें है बाबा साहब की बुक्स में है, बुक्स हम किताब हम पढ़ेंगे नहीं, जब हम किताब में पढ़ेंगे तुम्हारी उन्नति कैसे होगी, यही जानकर बाबा साहब ने एक संदेश दिया था, क्या दिया था, कि शिक्षा से अन्य का मॉडल जो पिएगा सो दहाड़ेगा, बाबा साहब ने दिया और पूरे संसार भर में दहाड़े, संत श्रोमणी रविदास जी ने दिया पूरे संसार में दहाड़े, भगवान बुद्ध ने दिया पूरे संसार में दहाड़े, अभी और कल की बात है, परसों की सॉरी, आपके देश का प्रधानमंत्री जो देश में खड़े होकर ये कह रहा है कि हम हिंदू है, अभी अमेरिका में बोल गया है कि हमने दुनिया को क्या दिए, बुद्ध बोला नहीं पूरी टीवी चैनल पे, मतलब तुम भारत में रहोगे तो हिंदू हो, और हिंदू के बाहर भगवान बुद्ध की बात करोगे, उनको मालूम है कि अगर दुनिया से भाग अगर किसी को जानते हैं तो बुद्ध को जानते, बुद्ध के अलावा किसी को नहीं जानते, जितने तुम्हारे 33 करोड़ 26 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ है, कोई नहीं जानता उनको, अगर जानते हैं तो बाबा साहब को जानते हैं, जानते हैं तो भगवान बुद्ध को जानते हैं, लेकिन सोना यही आता है कि उनकी जो जनरेशन हम लोग बैठे हुए हैं वो हम अपने बाप के बाप को भी नहीं। तो स्थिति हमारी बेहतर कैसे हो सकती है, स्थिति हमारी बेहतर होगी अपने रुपए को उनके 100 रुपए के बराबर बना के, ताकत की कुमत हमें है लेकिन उसका ज्ञान हमारे यहाँ नहीं। सुबह उठेंगे खेत में जाएंगे मजदूरी करेंगे हल्का सा वो देंगे जो भी आता 40-50 रुपए का पीके खत्म जिंदगी कितनी है। कभी नहीं सोचा कि हम सब मिलकर एक ही गांव के लोग हैं एक ही खानदान के लोग हैं चर्चा करें बैठे कि भैया हमारी तो गुजर गई हमारी तो कट गई जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं मेरा सवाल उनसे है। कभी आपने मंथन किया ये सोचा कि जो आने वाली जनरेशन ये आ रही है कि इनकी स्थिति को कैसे सुधारा जाए इनको इस गुलामी की जंजीरों से कैसे मुक्ति दिलाई जाए ये मन में नहीं आता या सिर्फ जिंदगी जैसे आपने काट ली इन जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी जिंदगी कैसी काटनी है इस सवाल में इसलिए छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि जब तक आपके अंदर सोचने की इच्छा पैदा नहीं होगी हमारे बोलने का और मेरे जैसे जो लोग आए उनके बोलने का कोई फायदा नहीं। पहले आपको अंधे अपने अंदर वो इच्छा पैदा करनी है कि हमारी सोच डेवलप हो कि नहीं। जिस दिन आपके अंदर ये सोच पैदा हो गई कि मुझे अपने
जो मस्तिष्क की सोचने की क्षमता उसको बढ़ाना आएगा, जो समस्या है उसका निवारण करना, क्रांति उत्पन्न शुरू हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि मुर्दा लोग कभी भी मिशन नहीं चलाते, जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। और हमारी जो जद्दोजहद है वो आपसे कुछ लेने की नहीं है, हमारी जो जद्दोजहद है, जो हमारी परेशानी है, वो केवल इतनी सी है, इतनी तिनका भर वो क्या है कि हमारा नाम जब इस दुनिया से हम जाए तो चार लोग मुझे उठा के ले जाए तो हमारा नाम, जो लोग 200 किलोमीटर चल के आ रहे हैं उनका नाम जिंदा रहो में हो मुर्दा में ना हो। सिर्फ कितनी सी जद्दोजहद के लिए 200 किलोमीटर चल गए ना अपने गांव में, हम अपना नाम जिंदा लोगों में शुमार करने चाहते हैं। तो कहने का मतलब यह दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मार्च 1930 से पहले भी हमारे बाप दादा रहे होंगे ऐसे आसमान से कब रहे होंगे ना, मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? मेरे शब्दों में कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में ना आ रही हो, या अगर मेरी भाषा कुछ इस तरह की होगी, 200 किलोमीटर दूर है तो यहाँ तो 50 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, अगर ना आ रही हो तो मुझे बता देना, और थोड़ा सा सरल भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करूँ। 2 मार्च 1930 को बाबा साहब ने काला राम मंदिर का आंदोलन किया, क्यों? 1930 और आज क्या है 2019, लगभग 90 साल, 89 साल पढ़ते हैं मैथ्स के बच्चे हैं तो गणित जानते हो, 1930 अभी चल रहा है 2019, तो बाबा साहब को उस आंदोलन करे हुए कितना समय हुआ, 90 साल। और मेरे ख्याल से उस गांव में अगर ढूंढा जाए तो 90 साल का एक बुजुर्ग तो मुझे मिल जाएगा, क्या नहीं है, होगा जरूर एक आदमी। तो 90 साल पहले यदि सही मायने में आपको थोड़ी बहुत मुक्ति मिली तो कहां मिली, 90 साल पहले 1930 में बाबा साहब ने काला राम मंदिर आंदोलन किया, क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को मंदिर जाने का अधिकार। इधर मेरे ध्यान दीजिए, हमारे लोगों को मंदिर जाने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब तो हमारी माँ थी और माँ बच्चों को रोते देख सकती नहीं, देख सकती, हम रोते थे कि हमें को मंदिर नहीं जाने देता। बाबा साहब से दर्शन देखा गया, बाबा साहब ने कहा अच्छा चलो तुम्हें मंदिर का दर्शन भी करा लो, है? जब मैं पानी पीने नहीं देता था तो बाबा साहब को दर्द हुआ, चलो तुम्हें पानी पिला लो, तो बड़ा दर्द हुआ बाबा साहब को, उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें मंदिर के दर्शन करा लो। तो 1930 तक हम लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता, तब भी हम हिंदू थे कि नहीं थे, हिंदू थे हमारे बाप दादा रहे होंगे भाई, जो मंदिर तक जाने नहीं दिया जाता था। तो जब आपके ये 33 करोड़ या जो आप पूछते हो कि तब भी रहे होंगे, पक्का होंगे, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा तो झूठ कह रहा हूं, क्यों नहीं घुसने दिया और घुसवाया उन्होंने, क्यों आपके सपोर्ट में ना खड़े हुए, कि ये लोग भी तो मुझे याद करते हैं, ये लोग भी तो दिन रात मेरी दौड़ती करते हैं, इन्हें क्यों रोक रहे हो तुम, एक भी आया क्या? हमारे बाप दादा को हाथ पकड़ के मंदिर के अंदर ले जाने के लिए एक भी आया था क्या? नहीं आया था, क्योंकि अरे बात हिंदू हम और थोड़ा उससे पहले चले जाओ, और थोड़ा उससे पहले चले जाओ, अगर कोई ओम नमः शिवाय बोलते तो उसकी जीभ काट दी जाती थी, तब कोई तुम्हें बचाने आया क्या? हिंदू तो हम थे कि नहीं थे, हम मतलब हमारे पूर्वज, जब कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाता था हिंदू तो जब भी थे, कोई बचाने आया क्या? तो जब वो लोग इतना हम लोगों पे अत्याचार हो रहे थे, इन 33 करोड़ में से कोई बचाने आया नहीं,
ऐसी हमारे सामने कौन सी मजबूरी है कि आज भी उसी व्यवस्था को हम अपने घरों में सांप के माबिक दूध पिलाने का काम कर रहे हैं? क्या मजबूरी है? तुमसे किसी ने आकर तुमसे आज तक कहा हो कि ऐसा करने से तुम्हारे घर का उद्धार हो जाएगा? जबरदस्ती का हमने एक लिया हुआ है बस, हम हिंदू है। बाबा साहब ने कहा कि हम हिंदू नहीं है, हम बौद्ध है, बौद्ध। इसका अगर सबूत चाहिए तो मैं कोई बात बिना सबूत के नहीं बोलता। अपनी अपनी जेब से नोट निकालो, अपनी अपनी जेब से नोट निकालो, और ये बात किसी से पूछ लेना कि देश में सिक्का किसका चलता है? जिसका राज होता है उसी का सिक्का चल रहा है ना, जिसका राज होगा उसी के नाम का सिक्का चलेगा। अपने अपनी जेब से नोट निकालो, सम्राट अशोक का चिन्ह मिलेगा कि नहीं मिलेगा बता दो? सम्राट अशोक का चिन्ह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा तो सिक्का किसका चल रहा है? किसका सिक्का चल रहा है? हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और ये बात हमारी जनरेशन, ये बात हमारी जनरेशन, तो हम कौन है? हम बौद्ध है, बौद्ध। हम हिंदू नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि हिंदू धर्म चार मंजिला मार्ग पर टिका हुआ, जानते हो बात? बाबा साहब ने कहा कि हिंदू धर्म चार मंजिला मार्ग पर टिका हुआ, ये हम लोग नहीं जानते, ये वो लोग अच्छी तरह जानते हैं, मनुवादी लोग। कि जिस दिन ये इतिहास, जिस दिन ये इतिहास से कौम जान गई, जिस दिन ये इतिहास से जनरेशन जान गई, जिस दिन ये इतिहास से बाबा साहब के बच्चे जान गए, उस देश में हमें शासन करने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात मनुवादी लोग जानते हैं, हम नहीं जानते। ये हमारी समस्या, हमारे बाप दादा ने हमें उस व्यवस्था से निकाला, हमारे पिताजी ने हमें वो ज्ञान दिया। ज्ञान दिया तो हम पूछते थे कि ऐसा क्यों बता रहे हो, हमारे स्कूल में तो ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। उन्होंने कहा कि बेटा हमारा इतिहास स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। वो लोग नहीं चाहते कि हमारा इतिहास स्कूलों में पढ़ाया जाए, वो लोग एक बात चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो मति है उसको हमेशा मार के रखा जाए। हमें ना मार रहे हो, हमारी मति को मार के रखा। लेकिन हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने वो बात जानी, हमें बताई, हमने वो बात उनकी मानी, फिर बाबा साहब की किताब पढ़ी, और किताब पढ़ने के बाद हमने कहा है हमारे रुपए की कीमत 100 रुपए के बराबर हो सकती है। कैसे? वो हुनर इतनी आसान है साहब को सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन एक एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। हम साल में कोई भी त्यौहार नहीं मनाते, क्यों नहीं मनाते? अभी इसमें जरा चर्चा कर ले, अभी श्राद्ध गए ना, कल खत्म हो गए कनागत बोलते हैं तो श्राद्ध, श्राद्धों में कोई अच्छा काम क्यों नहीं करते? अच्छा बताओ, अशुभ समझा जाता है ना, तो श्राद्ध में अच्छे काम ना करेंगे। श्राद्धों में अच्छा काम इसलिए नहीं करते क्योंकि जो इस देश पे मनुवादी व्यवस्था शासन कर रही है, उस मनुवादी व्यवस्था के जो पहले राजा हुआ करते थे, उन राजाओं को हमने हराया, हराया उनके राजा को, तो मनुवादी व्यवस्था हारी थी उस समय में, इसीलिए उन्होंने आपको श्राद्ध बना दिया। क्योंकि जिसके घर में मौत हो जाती है वो तो त्योहार नहीं मनाया करते, इसके घरों में तो मौत हो जाती है, कुछ ऐसी घटना घट जाए उस घर में खुशी मनाई जाती है, नहीं मनाई जाती। इसी तरह से जो हमारे राजा हुआ करते थे, उन्होंने मनुवादी व्यवस्था को हराकर अपना राज कायम किया, तो उन लोगों ने उसे श्राद्ध मतलब अशुभ दिन, अशुभ दिन का नाम दे दिया कि भाई इन दिनों में कोई हम अच्छा काम नहीं करेंगे। हैं? अभी ये जो आज से शुरू करा तुमने, ये ऐसे मैं उस चीज से बच कहने के लिए इसलिए बच रहा हूँ क्योंकि लोगों को वो चीज अटपटी से लगती है, बुरा मान जाता है। ये एक महिला थी, गांधी जी के साथ आती थी, और गांधी जी के साथ आने के बाद इन्होंने हमारे एक राजा को, जो सबसे बलशाली राजा था, 9 रात बिताने के बाद उस राजा की हत्या की। 9वें दिन 9 रात बिताने के बाद में उस राजा की हत्या करी। तो जो हमारे राजा जिस डेट पे, जिस दिन हमारे राजा को मारा, वो हमारे लिए क्या बना दिए? तो हार, मतलब तुम्हारी हार।
तुमसे तुम्हारे बाप दादाओं के मरण दिन पे त्योहार मनवाए जा रहे हैं और अपने बाप दादाओं के मरण दिन पे श्राद्ध मनवाए जा रहे हैं। अब तुम्हारी बुद्धि उल्टी काम कर रही है, नहीं कर रही है बता दो। अपने बाप दादाओं की हत्या के दिन तो तुम खुशी मना रहे हो, उनके बाप दादाओं की गम में डूबे हुए हो जहाँ तुम्हें गम में डूबा होना चाहिए था। तो क्या कर रहे हो, खुशी मना रहे हैं, उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कदी भाई ये बात तुम लोग न जानते वो लोग बना दिए वो ही दे जो कदी कदी चूत। ये इतिहास है, हम पढ़ते नहीं तो इसीलिए तो यार हम लोग नहीं बनाते, क्योंकि हमने जाना इतिहास पढ़ा के ये गलत हमारे बाप दादाओं का खून गया और उसी को हम त्योहार मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। हम साल में छोटी सी बात करके अगली बात खत्म करोगे, बात बहुत लंबी है। हम साल में दो त्योहार मनाते हैं, भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और एक 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं। साल में केवल दो त्योहार हम मनाते हैं तो हमारा पैसा बचता है, हमारा पैसा बचता है। कभी भी अंदाजा लगाना, एक भी त्योहार अगर तुम मनाओगे तो कम से कम 1000-2000 रुपया खर्च करोगे। और साल भर में कितने त्योहार मनाते हो, कितने मेरे बच्चे मेरे भाई अपनी कांवड़ यात्रा या फलाने फिरने में कितने कितने 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं? हम नहीं करते तो हमारा पैसा, जब हमारा पैसा बचता है तो उसे हम कहाँ लगाते हैं? उसे हम किताबें खरीद के लाते हैं। किताबें खरीद के हम अपने बच्चों को, हमारे आसपास के जो बच्चे हैं उन्हें देते हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ के वो जान रहे हैं अपना इतिहास और अपना इतिहास जान के इस मनुवादी व्यवस्था को छोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस मनुवादी व्यवस्था से 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब, अकेले बाबा साहब इस पूरे देश में, अकेले बाबा साहब 24 सितंबर 1932 को गोल में सम्मेलन में खड़े होकर हमारे लिए लड़ रहे थे। दूसरी तरफ उनके घरों में उनके मासूम से बच्चे अपनी मां से लड़ रहे थे। दो भूख, दो तरह की दो भूख, दो भूखे एक साथ बिलक रही थी। बाबा साहब तो हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और उनके बच्चे अपनी पेट की भूख के लिए लड़ रहे थे। यदि हमारे घर में हमारा बच्चा रो रहा हो तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि किसी की दूसरे अधिकार के लिए खड़ा हो जाए। बाबा साहब में भूख थी, क्या भूख थी? जो सम्मान मुझे नहीं मिला अपने समाज का, वो सम्मान दिला के जाऊंगा। जो अधिकार मुझे नहीं मिले अपने समाज का, वो अधिकार दिला के जाऊंगा। इसीलिए अकेले चट्टान की तरह उस मनुवाद के सीने से अधिकार छीनने का काम कर रहे थे बाबा साहब। दूसरी तरफ माता रमा बाई से उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भूख के लिए भी लग रहे थे कि माँ कुछ तो दे दे, थोड़ी सी खुर्चन ही दे दे, वो खुर्चन खा के हम ना पेट भरेंगे, उस खुर्चन की बदौलत हो आप लोग जो आज खुली हवा में सांस ले पा। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है इस मनुवादी व्यवस्था को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं? कोई आपसे आगे लड़ेगा नहीं लड़ेगा? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे युवाओं, मेरा आह्वान तुम लोगों से, इस मनुवादी व्यवस्था को छोड़ना है तो कहते तुम्हें छोड़ना ही, अपने आप छोड़ दो, एक झटके में खत्म हो जाएगी। बस तुम आज ये प्रण ले लो कि आज के बाद कुछ भी करेंगे इन मनुवादियों का त्योहार हम नहीं मनाएंगे। मनाएंगे तो बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, क्योंकि बाबा साहब से बड़ा हमारे लिए इस दुनिया संसार में कोई नहीं इस बाबा साहब से बड़ा हमारे लिए। ये जिंदगी अगर किसी की उधार दी हुई है तो मेरे बाप की नहीं। अगर बाबा साहब ना होते तो मेरी माँ मुझे तब भी पैदा करती, मेरी माँ मुझे जब भी पैदा करती अगर बाबा साहब ना होते, लेकिन इस खुली हवा में सांस में ना ले पाते। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा जितना भी यहाँ समाज बैठा हुआ है उससे मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब की किताबों को पढ़े और पढ़ के अपने इतिहास को जाने और मेरे साथ फिर से एक बार बोलेंगे जय भीम। सम्मानित साथियों,
बहुत सारी चीजें बताई हमारे ज्ञान के सागर, ज्ञान सागर सागर साहब बैठे हुए हैं जो आपके फ्यूचर के बारे में भी बताएंगे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध का मूवमेंट जो चल रहा है उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हलचल क्या दोगे बेटा, इधर को आ जाओ, बहत्तर साल आजादी को होगी, अभी क्लास में पीछे बैठ रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नहीं इतनी देर से बाबू बाबू कह रहा हूँ यहाँ के बैठो। आगे बो अपनी समाज में नहीं बैठेंगे, ज्ञान के अंदर होंगे, इस देश के अंदर ही पूर्ण की स्थापना कब करी थी हमारे लिए, हमारे लिए मैं हर आदमी को गिफ्ट दूंगा, गाड़ी भर के लाया, मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हमारे लिए इस देश में स्कूल की स्थापना किस व्यक्ति ने करी थी, कोई डेट बता सकता जो बताया खड़ा हो, खड़े हो, मुझे खड़े करने पड़ेंगे क्या, मैंने तो सच सवाल कर दिया, जो बताता हूँ बता दो, है जी, आओ इधर, ताली बजाओ इस बच्चे, मोहन कुमार क्या जी कर सकते, आठवीं फेर ज्योतिबा, ताली बजाओ इस बच्चे, आपको मिल गई पहला, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार होगा हमारे लिए 1 जनवरी 1848, ध्यान रखना मेरा टाइम बहुत कम दिया, दोबारा मिलना पॉसिबल नहीं है, 1 जनवरी 1848 को इस देश के अंदर सर्वप्रथम तुम्हारे लिए स्कूल की स्थापना करी गई, मैं रोक दो इसे, हेलो मैं रोक दो, बिल्कुल बंद कर दो इसे, इसे प्यास लगेगी नल पे जाकर पी लेगा कोई भी, 1 जनवरी 1848 को इस देश के अंदर हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने स्कूल की स्थापना करी, इस देश की ज्ञान की देवी कौन है बताओ, ज्ञान की देवी कौन है, खड़े हो आओ, उल्टा जवाब दोगे तो भी मिलेगा, आओ सर निकालो, हाँ जी क्या नाम आपका, एजुकेशन क्या, सर टेक्निशियन इंजीनियर, अच्छा अच्छा एक मिनट, ज्ञान की देवी बना रखी है ना, है कौन असली, हमारे ज्ञान की देवी देश की सर्वप्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, ताली बजाओ उनके नाम के, अब किसी से ये पूछ लो सरस्वती कौन से स्कूल में पढ़ने गई, 5वीं क्लास तक पढ़ी थी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया था, इस देश की पहली शिक्षिका, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते हैं, ये हमें समाज में अपने को पता नहीं था। 1930 गोलमेज सम्मेलन के लिए हमारे लिए अंग्रेजों ने पहली बार हमें आमंत्रित कराया था, इसके अंदर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने घर से चलते हैं, घर में 6 साल का बेटा राज रतन की डेथ होती है और उन्हें लंदन जाना, समाज के ऐसे व्यक्ति बैठे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कि मुझे गोलमेज सम्मेलन में जाना है, कहने लगा तेरा दिमाग खराब है, घर में तेरा बेटा मरा पड़ा है, तू लंदन को जा रहा है, कहने लगा इस बेटे का संस्कार तो तुम कर दोगे, लेकिन अगर मैं आज गोलमेज सम्मेलन में गया तो मेरे 6 करोड़ आने वाले बेटे मारे जाएंगे सदियों सदियों के लिए, उस गोलमेज सम्मेलन की बदौलत हो जो मास्टर डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट आज पता कर लेना, अपने बाप 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 जितने भी बाप हुए हैं
1930 से पहले इस देश के अंदर संत बहुत हुए, दास बहुत हुए, कबीरदास ले, तुलसीदास ले, हरिदास ले, रविदास ले, जितने दास हुए, एक आदमी में एक स्कूल का चपरासी बनाया गया। और 1930 जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तुम्हारी अधिकार दिए, कोई गांव, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई शहर ऐसा है जिसमें मास्टर डॉक्टर इंजीनियर ना हो या बच्चे ना पढ़ रहे हो? अगर तुम ना पढ़ो इसकी क्या गारंटी है? कौन पढ़ा है देश में? बाबा साहब है ऊपर वाला। मेरी आवाज सिला होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज होनी चाहिए तेज। जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, हम सब लोग जाने में अनजाने में गलती कर रहे हैं। ये जो हमारी माता हैं, इन्हें ये पता है भसोड़ा कब पूजेगा, गाय भैंस की चट्टी कब पूजनी है। अभी आ रही है दिवाली के बाद, गाय भैंस की चट्टी पूजोगे ना? वो पढ़ना नहीं, क्या बोलते हैं? हमारे देश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है गाय के पेशाब में पौनी है। प्रधानमंत्री देश का कह रहा है अमेरिका में जाकर, हम बुद्ध की धरती से आए हैं, भारत माँ का कहें, हम कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, हम देखते हैं हमारे बिना इजाजत के तुम मंदिर और मस्जिद कैसे बना दोगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे बिना मस्जिद के 24 सितंबर को भाई साहब ने बताया था, एक पैक्ट हुआ था, पूरा पैक्ट, जो आज आपकी रीढ़ की हड्डी को खा गया, उसमें हमारे 3 अधिकार पहली बार पास हुए इस देश के अंदर। अधिकार तो 7 हुए थे, 6 अधिकार के लिए गांधी बैठ गया कि पास है, लेकिन 7वां अधिकार पास नहीं होने दुआ, वो था 2 वोट SC ST 2 वोट। जहां हमारे लीडर शहीद होंगे वहां केवल हम वोट डालेंगे, हमारा आदमी हमारी मर्जी से खड़ा होगा। और जहां रिजर्व सीट जनरल सीट होगी वहां जनरल भी वोट डालेगा और हम भी वोट डालेंगे। वरना 131 सांसद और 2 अप्रैल को आंदोलन, सबने कंगने बनवा रखे, रविदास का मंदिर था, हिंदुओं ने तोड़ा, तुम भी मंदिर बना रहे, वे भी मंदिर बना रहे, लड़की से रहो देश में, किससे लड़ रहे हो? ये जो क्षेत्र है ना आपका सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में झंडे दिखाए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 1928 में, जब ऐसी समाज की स्थिति नहीं थी। साइमन कमीशन आया था जांच करने के लिए, हमारी झोपड़ियां काटना, हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत रोकना। तो इसी सहारनपुर वालों को लोगों ने पट्टे पढ़ाए और जी जातिवाद खत्म। 1930 में सरकार कांग्रेस की थी, जो कांग्रेस का झंडा चलता था जैसा आज RSS का चल रहा बीजेपी का, उन्होंने कहा जी जाति तोड़ो आंदोलन चलाएंगे हम। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अध्यक्ष रखा गया, बंबई लेटर लिखा गया बाबा साहब से, उन्होंने कहा जी आप जो आपने लेटर लिए अध्यक्ष का भाषण देना है आपको, बाबा साहब ने लिख दिया पूरी लाइन। उन्होंने कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरा भाषण ठीक है, लेकिन बस केवल एक लाइन हटा दो, हिंदू सब। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर इस देश के 33 करोड़ देवी देवता मेरे जूते की ठोकर उचाटे ना आके, मैं उन्हें भी लात मार दूंगा। तुम एक लाइन कह रहे हो, मैं इसमें कोमा नहीं हटाऊंगा। जर्मनी के अंदर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर एक भाषा ऐसी थी जिसे क्षत्रिय नहीं पढ़ सकता, शूद्र नहीं पढ़ सकता, अति शूद्र नहीं पढ़ सकता, बहुत ही संकेत, केवल केवल ब्राह्मण पढ़ सकता था और कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता पूरे देश में। जर्मन में पढ़ी, और जर्मन में जब उन्होंने पढ़ी तो जब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ब्रह्म पुराण और शिव पुराण, तब उन्होंने कहा है मेरे समाज के युवाओं, अगर तुम्हारा जमीर जिस दिन जाग जाए उस दिन इन धर्म ग्रंथों को बम्बों से उड़ा दूंगा। बम्बों से तो क्या उड़ाओगे, अब तक उन्हें छोड़ ही दो और क्वेश्चन करो घर के अंदर आज से, कोई भी दीवार बनेगा क्यों बनेगा? इसने कहा कहानी का 200 देश बुद्ध के दर्शन में चलते हैं, 150 देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को मनाते हैं, 1 तारीख से 14 तारीख तक देश के अंदर हमसे बड़ा रईस नहीं है, 15 तारीख को पता नहीं है पोवा पिया अटैंड है फिस, कि आप डॉक्टर अम्बेडकर 1 साल बाद याद करेंगे, ये हमारे लिए गलत है सही है? 19 जुलाई 1942 को इस देश का सबसे बड़ा पवित्र मंत्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, 19 जुलाई 1942 कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। गलत क्या सही क्या? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जाओ अपनी दीवारों पर लिखो हम इस देश के शासक,
हमने लिखा जय माता की, जय पिताजी की। अभी वो नौ दुर्गे चल रही है, उनसे पूछ लो कौन सी शक्ति है उसको। जब उसकी यात्रा पे जावे ना लोग, तो बीएसएफ वाले खड़े करने पड़े मिलिट्री के। जब उसमें सब शक्ति है कि तो खुद ही अपनी रक्षा कर लेती है। मुसलमानों को है कोई हिंदू बन जाया जो सऊदी अरब में सिद्धि कैद कर रखी है, वो सिद्धि कैद है सऊदी अरब। मुसलमानों को क्या कर रहे हैं वो, कोई है हिंदू का जाए जो मुझे यहाँ गंगा जल पिलाएगा। अकल के अंदर खोपड़ी में से कुतरी में से गंगा निकल रही है, अपने आप खुद ही जो पी ले उसे दूसरे पिलाना आएगा। दुनिया में कोई साइंटिस्ट ऐसा पैदा हुआ जो मेरी खोपड़ी को काट के, गर्दन को काट के कुत्ते की या बिल्ली की या भैंस की लगा देते, हाथी की कैसे लगा दी भैया, कौन सा साइंटिस्ट है, बुलेट एक हो आदमी का जानवर का। ये तर्क करने वाली है। अभी भाई साहब ने बताया नरेंद्र मोदी जी ने कि इस देश के अंदर हम गुलामों के भी गुलाम थे। जब मनु का विधान चलता था तो मैं सबको आमंत्रित करूं, उससे पहले हमारे बीच में मास्टर जी कहां है, जुगल किशोर जी, मास्टर जुगल किशोर जो गांव गांव बच्चों को शिक्षा के स्तर पर जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और गिफ्ट भी दूंगा, लेकिन सवाल के जवाब बाबर मुझे ये बता दिया संविधान कितने देर दिन में तैयार हुआ, जल्दी आ खड़ा होगा साहब, गिफ्ट दो, गिफ्ट बंद ना हो जाओ, इसमें से निकाल दो। हाँ बोल क्या नाम तेरा, अभी अभिषेक, अभिषेक का मतलब जानता है, अभिषेक का मतलब होता तिलक, क्या बताया अभी कितने दिन में, दो वर्ष ग्यारह माह अठारह दिन में। किसने लिखा था, डॉक्टर विग्रह मेडिकल, ताली बजाओ इस बच्चे को। आप तो आया करो ना, तुम लोग तो मुझे उधार के ताने पड़ रहे हो। चलो अभी इन बच्चे ने बताया, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाने की है। क्योंकि गुंडों को जवान, भैरों को कान, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को पतिदान और भारत को संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, इसकी बदौलत आप जिंदा हो, ये मत समझना हमारी माँ बहनों ने हमें पैदा कर दिया था, हम बहुत बड़े लैंड ओवर। अगर सांस भी इस देश के अंदर दे रहे तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है, चाहे कुछ भी हो जाए। मास्टर जी जुगल किशोर जी ताली बजाओ, बना आवाज मेरी सुनो और आपकी तेज। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले साथियों तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी को नमन और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने हमें इस जलालत भरी जिंदगी से, इस गंदी जिंदगी से बाहर निकाला, उनको मेरा कोटि कोटि नमन। और नमन मेरा उन तमाम महापुरुषों को जो इस मेरे समाज में जन्मे हैं और सभी जितने भी यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति हैं उन सभी को मेरा नमन। साथियों नरेंद्र मोदी जी ने आपको बहुत समझाने का प्रयास किया है और देवेंद्र जी ने भी, और मैं समझता हूँ यहाँ पर बहुत सारे वक्ता आए होंगे और आते रहेंगे, लेकिन जैसे ये प्रोग्राम हुआ है इससे भी अच्छा प्रोग्राम और बड़ा एक हमारे क्षेत्र में होने जा रहा है और उस प्रोग्राम के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो साथियों देखिए त्योहार के बारे में ही नरेंद्र मोदी जी ने बताया था और मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बार की बात है, एक गांव में रीच नचाने वाला आ गया। अब रीच नचाने वाला आ गया तो उसे नचाते नचाते शाम होगी, अब उसे शाम होगी तो सोचने कहां जाऊं। ऐसे ही पास में एक चौधरी साहब का घेर था जाटों का, उन्होंने कहा चौधरी साहब
एक रात मुझे काट लेने दो और फिर मैं चढ़ के चले जाऊंगा। कोंडा कहा भाई उन्हें को आते लूंगा पर सर रीच को अपने पावर में बांध दे काट को जाऊं लौट लौट टका दूंगा। क्या लगा ठीक है चौधरी साहब पावर में बांध लूंगा अपने तो क्या लगे तूने पावर में बांधे रोटी रोटी खा के पीगा। और चौधरी साहब को बहुत बढ़िया भैंस थी भैंस पर तो चोर लग रहे थे। फिर चोर सोचने लगे भाई आज के चौधरी साहब सो रहे हैं उसकी भैंस खोल लगे आज यहाँ तो दोनों आएंगे। अब जो दोनों आएंगे एक दीवार खोल कर भीतर जाए कुंडा खोल दे कुंडा खोल कर वो कह लगा तो चल लेगा आ जा कह लगा रहा सब उनको आज भैंस को आज क्यों आते जाओ बता पे पड़ी जाते कौन वो जो रीच बात करना घाट को पाए मां क्या लगा तो सब उसे लिवार लगा रहे खा ले आगे उनको भाग कर कह लगा अच्छा भाई आ लिया उन्ना तो रीच की कोड़ी भरी रीच रहा था जात वो रीच की कोड़ी भरी रीच ना मेल लो उसे कोड़ी भरी और दोनों झुंझु पुंझु और वो भैंस लेगा बाहर हो गया वो कहने लगा वो आजा रहा क्यों नहीं आता तू ये छोड़ तो सड़क लगा रहे तो भाई पीना लगा रहे जा रही जाता क्या लगा छोटू किस तरह सारा यही छोड़ रहा तुम बहुत देर का छोड़ रहा भाई तो भाइयों इसी प्रकार से देखो जो तिहार है छोड़ना तो मन मारा बहुत करो लेकिन जो हमारी माता मैं ना ना उस रीच वाले का काम हमारे रीच वाले तो एक एक ऐसे उदाहरण और पेश कर रहा हूं। एक बार चार सेठ ने चार कुएं खुदवा दिए अब चार कुएं में पहरे लगा दिया और लोग पूछने लगे तीन को पहरा था एक को अखीरी था क्या लगा भाई जैसे आप लोग पूछने लगे कि भाई इस कुएं पर पहरा क्यों नहीं है पानी में तीन पर पहरा क्या लगा जी ये कुआं फिर है बिल्कुल इस पर कोई पहरेदार नहीं रहता क्या लगा ये जो कुआं है पहला इसमें तो रहम की जाति के लोग कोयली गढ़ का भाग ना जा इसलिए इसमें पहरा लगा रहे घाट को जब मर जा मेरे को सब इसमें आ जा उनको दूसरे उनको समारा राजपूत उनको राजपूत नालीगढ़ को भाग जा और तीसरे मेरे अनुभव बनी है उनको इस पर तो लगा रखा है उनको भाई चौथा उसमें कुंड लगा रखा उनको इसमें आज तक की मिसाल होली इसमें जब कोई लिख आई नहीं वो किसका छोटी छोटी बिरादरी है वो चूड़े चमार ये गड़े पड़े इसमें ये रहा है कला आज तक की मिसाल होली इसमें कोई लिखा नहीं लोगो क्यों भाई कला का आता कोई लिखने की कोशिश भी करो तो वो चोर से नीचे बैठे टाइम पड़ खींच ले उनकी नीचे अच्छा भाई हो जो कोई हमारे बीच में समाज में एक आता को उठना चाह तो उसे समाज वाले ही पीछे दबा दे। देखिए बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत संघर्ष किए हमें उनके संघर्ष को भूलना नहीं उनके तीन नारे थे शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो। तो जब हम शिक्षित होंगे तभी संगठित होंगे और जब संगठित होंगे तभी हम किसी के साथ संघर्ष करेंगे संघर्ष करेंगे और जब तक हमारे अंदर एकता नहीं होगी भाईचारा नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ने की आगे नहीं बढ़ेंगे। और शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है बिना शिक्षा के हम पशु के समान हैं। 5,000 साल तक हम गुलाम रहे हैं 5,000 साल तक और उस जमाने में केवल हमें दो पहरी में चलने की अनुमति थी वो भी पैर में घुंघरू और हाथ में कोई थाली वगैरह से बजाते हुए दोपहर में चलती चले थे। 5,000 साल तक हमारी बहन बेटे वो ये ब्राह्मण ऐसे उठा लेते किसी को जानवर उठा लेगा 5,000 साल तक हमें पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। वे सभी गुलाम हमारी
बाबा साहब ने काटी 5000 साल की गुलामी केवल 40 साल में खत्म कर दिया। और हमें सबसे ज्यादा बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, दूसरे लोग हम तो बाबा साहब को पढ़ते ही थे, दूसरे जो लोग हैं अपर कास्ट के वे बाबा साहब को पढ़ते हैं और विदेशों में सिंबल ऑफ नॉलेज क्या लग जाते हैं, कौन बाबा साहब। तो बाबा साहब जो हैं वे हमारे लिए भगवान समान, भगवान है हमारे। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। और बजाओ ज्योति बापू ने, ज्योति बापू ने अमर रहे, ज्योति बापू ने, ज्योति बापू ने, ज्योति बापू ने। माता सावित्री माई अमर रहे, माता सावित्री माई फूले अमर रहे, माता सावित्री माई फूले अमर रहे।